जब भी बिहार और पटना में कोई आंदोलन होता है तो सीधे नाम लिया जाता है लालू प्रसाद के शासन का, और लालू के राष्ट्रीय जनता दल का नाम लिया जाता है कि वो जब प्रदर्शन करती है, सड़कों पे आती है, उतरती है, तो हंगामे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद को भी शर्मिंदगी महसूस हो, जिस तरह से पप्पू यादव की सेना ने पूरी तरह से लालू वाला स्टाइल को कहीं ना कहीं एडॉप्ट कर लिया है, देखने को आप मिल रहा होगा आपको सड़कों के ऊपर जिस तरह से जाप कार्यकर्ता सारे राजनीतिक दलों को पीछे करके खुद कमान संभाल लिए हैं। और डाक बंगला चौराहा की बात करें तो डाक बंगला चौराहा पर पूरी तरह से जाप कार्यकर्ताओं ने हैक कर लिया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुपचाप मूकदर्शी बन के देख रही है। लेकिन इन सब के बीच हंगामा इतना तेज हुआ और जाप के कार्यकर्ता इस शांतिपूर्ण माहौल में जिस तरह से दुकानों को बंद करा रहे थे और ड्रामा चल रहा था, उसके बाद से पुलिस चुपचाप देखते देखते जब उब गई तो उसने एक्शन लिया। और एक्शन लेने के बाद क्या कुछ हुआ आप खुद देखिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा और तब बताइएगा कि क्या लालू प्रसाद के काल में इसी तरह के हंगामे हुआ करते थे या ये हंगामा उससे भी बड़ा और ज़्यादा खतरनाक है। देखिए वीडियो में क्या कुछ हमारे रिपोर्टर्स ने और वीडियो कैमरामैन ने ला करके आपके लिए दिया है, और वो पूरी तरह से बताता है कि बंद को लेकर के सरकार और प्रशासन कितना ज़्यादा मजबूर है और कितने ज़्यादा मजबूती के साथ इस बंद को समर्थन कर रहे हैं जाप के कार्यकर्ता और नेता। जन अधिकार अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।